सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फाइंड इट एयर में। और आज मैं स्विफ्ट के अंदर हूँ और एक थोड़ी सी नॉलेज वाली वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा इजी रहे। अगर आपके पास ZXI मॉडल है, बेसिकली छोटे वेरिएंट के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी, LXI के अंदर ये चीज़ नहीं आएगी, ये ZXI प्लस या ZXI के अंदर आएगी, जिसमें हमें पता है कि पीछे वाली रो जो है 60-40 में स्प्लिट हो जाती है। और उसको मतलब आधे लोगों को शायद ये पता हो, लेकिन इजी वाला और प्रैक्टिकल चीज़ है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। अभी मैं वो चीज़ खुद भी यूज़ करता हूं, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ बताऊं। तो जो ZXI मॉडल था इसका, स्विफ्ट का, वो पीछे वाली सीट जो है बहुत सारी कार में 60-40 डिवाइड हो जाती है, यानी कि 60 अलग होती है रेशियो और 40 अलग होता है। तो अभी क्या सिचुएशन है कि सपोज हम कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हमारा ड्राइवर आगे ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, या कोई भी हमारा फैमिली मेंबर ड्राइव कर रहा है, मैं गाड़ी रुकवाना नहीं चाहता हूं और पीछे बूट में मेरे पास कुछ सामान है तो वो मैं एक्सेस करना चाहता हूं, लेना चाहता हूं, चाहे वो वाटर बॉटल्स हो या कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी अर्जेंट की हो, डॉक्यूमेंट रिक्वायर पड़ गए, एकदम से जरूरत पड़ गई, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो जो कि ऑनगोइंग चलती रहे, मेरे को गाड़ी ना रुकवानी पड़े, या होप्स हो पीछे मेरे को बूट ना खोलना पड़े, तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस क्या है। तो गाइज, बाकी बातें तो होते रहेंगी, लेकिन इस चुपती हुई गर्मी में मैं अपनी गाड़ी को कर लेता हूँ फ्रेश। और मैं उसके लिए यूज़ करने वाला हूँ इन्वॉल्व कार परफ्यूम को। ये मेरे पास बहुत सारी इसकी रेंज है, जैसे कि स्नोफॉल और फ्रेंच वुड, और बहुत सारी और भी रेंजेस आती हैं, लेकिन ये मेरा जो फ्रेंच वुड है वन ऑफ माई फेवरेट है, क्योंकि मैं इसको लास्ट 50 डेज से यूज़ कर रहा हूँ। और सिंपली आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के साथ आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। ये अच्छा क्यों है ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 3mm की टेप मिल जाती है जो आपको स्टिकिंग के काम आएगी, और यहाँ पर आपको रेंज मिल जाती है जिससे आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, इसकी फ्रेगनेंस को। और सिंपली यूज़ आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको ओपन करके, यहाँ से ये चीज़ रिमूव करके सिंपली यहाँ पर इसको ऐसे पेस्ट कर देना है। तो गाइज, मेरी तो गाड़ी हो गई है फ्रेश, और अगर आपको भी करनी है अपनी गाड़ी फ्रेश और विद स्पिल प्रूफ हाई फ्रेगनेंस परफ्यूम, और साथ ही साथ अच्छी खासी परफॉर्मेंस वाला परफ्यूम के साथ, तो जस्ट आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक प्रोवाइड है, वहां पर आप क्लिक करिए और मेरा कूपन कोड यूज करिए फाइंड इट हेयर, उसके साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और साथ ही साथ आप अपने हिसाब से ढेरों वैरायटी के कोई भी कार परफ्यूम प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। कि मैं थोड़ा सा इधर हूंगा, और यहाँ पर ये सीट ना फोल्ड हो जाती है। फोल्ड कैसे होती है, ये नॉब को आपको ऊपर करना है और ये इजीली आप फोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं, आप देख सकते हैं पीछे की तरफ मैं पूरा बूट का जो भी सामान है, कुछ भी यूज है, सपोज अभी मेरे पास ये न्यूज़पेपर है या इसको कह लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, तो मैं इजीली यहाँ से निकाल के यूज कर सकता हूँ। ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट मैं यहाँ से ले सकता हूँ, इवन मैं यहाँ से बूट लाइट ऑफ कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ, क्योंकि बूट लाइट यहीं पे होती है, जैक ले सकता हूँ, कुछ भी चीज़ है ऐसी, तो मैं यहाँ से इसको यूज़ कर सकता हूँ। अभी मुझे ड्राइवर या किसी से जो गाड़ी चला रहा है उससे कहने की जरूरत नहीं कि गाड़ी रोक या पीछे की मेरी बूट खोल दे ताकि मैं सामान एक्सेस कर सकूँ। और मैंने सामान लेते ही मुझे इसको पीछे लॉक करना है, और ये ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, इसको कोई आपको यूज़ ऐसे कुछ नहीं कि लॉकिंग करनी, ताला लगाना है, और ये विदाउट की वाला हिसाब है, गाड़ी के अंदर आप बैठे हैं, आप उसको ड्राइवर से की भी नहीं लेनी है। तो ये एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल है, जो आपके हमेशा काम आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पीछे वाला बूट को एक्सेस करने के लिए आप, अगर आपकी सीट्स रेशियो जो 60-40 में है, स्प्लिट है, तो आप 40 का रेशियो को नीचे गिरा के, सीट को नीचे गिरा के यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, होप्स आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में।